सैप्रोफिटिक, मतलब सैप्रोफिटिक का मीनिंग बताती हूँ क्या होता है, रुको, क्योंकि ये पूरा का पूरा, ये तो पूरा ही सैप्रोफिटिक है ना, पूरा फंगस सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक का अर्थ है, जैसे होलोजोइक में क्या हुआ था, तुमने खाना खाया, पेट में अंदर डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, फिर वो ईजेस्ट हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। सैप्रोट्रॉफिक में कुछ अजीब सा ही है, देखो ये फंगस ब्रेड के ऊपर होगा, ये फंगस होगा हुआ है, तो ये खाना कैसे खाएगा, पहले ये कुछ एंजाइम ब्रेड पे डाल देगा और ब्रेड यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट बाहर ही हुआ, बॉडी के बाहर ही हो गया, डाइजेस्ट हो गया, फिर डाइजेस्टेड फूड को इसने एब्जॉर्ब कर लिया अपने हाइफा से, इसको हाइफा बोलते हैं, फंगल हाइफा। तो देखो इसमें और इसमें कितना ज़्यादा फर्क है, इसमें क्या था, पहले खाए हो, फिर डाइजेस्ट करे हो, फिर एब्जॉर्ब करे हो, इसमें क्या है, बाहर डाइजेस्ट कर दो, बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट कर दो, ठीक है, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लो, इसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे आपको मिलता है, एम आई क्लियर? यस मैम। हालांकि पैरासिटिक फंगस भी होता है, पैरासिटिक फंगस भी होता है, लेकिन मेनली सैप्रोफिटिक फंगस रहता है। तो पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक में डिफरेंस समझो, हम बोल रहे हैं पैरासिटिक, हम बोल रहे हैं सैप्रोफिटिक, क्या है? सैप्रोफिटिक का मतलब है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे आप उग रहे हो, ये क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है जिसपे आप उग रहे हो, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक क्या होता है, जब आप जिंदा ऑर्गेनिज्म पे उग रहे होते हो, तो जैसे फंगस भी पैरासिटिक हो सकता है, अरे हमारे नेल्स में फंगस लग जाता है, हमारी स्किन पे फंगस लग जाता है, फंगल डिजीज हो जाती है, तो फंगस पैरासाइट भी तो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी तो अटैक मार रहा है ना, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप रह रहे हो, उसी की बॉडी पे रह रहे हो या अंदर रह रहे हो बॉडी के, तो पैरासिटिक। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अगर उग रहे हो तो सैप्रोफिटिक, यदि ये वाला तरीका अपना रहे हो, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन, तो होलोजोइक। समझ में आया है, नोट कर लो इसको, चलते हैं आगे। जी मैम नोट कर लिया है, बिल्कुल समझ भी आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। डन है जी मैम? डन। तबीयत सही है? सही है, मेरी तबीयत सही है। देखो अब ये पढ़ते हैं, अब ये टेबल हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो देखो, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एनिमलिया, अभी देखो कैसे समझ में आएगा। सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, बाकी सारा यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक को तो हमने पहले ही सेपरेट कर दिया। अब देखो सेल वॉल, एक मिनट, सही है। अरे बेटा फिर से छींके आने लग गई मुझे, रुको। सेल वॉल देखो, कुछ सेल्स के पास सेल वॉल होता है, कुछ सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। और जिसके पास होता है उसके पास अलग अलग प्रकार का सेल वॉल होता है, ये मैं तुम्हें जब एक एक बताऊंगी तो उसमें समझाऊंगी। मोनेरा के पास सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड, जो कह रहा है ये बात कर रहा है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो मोनेरा का जितना सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल बेटा इतना वैरायटी है, कहीं सेलुलोज का, कहीं प्रोटीन का, कहीं पे सिलिका का, तो वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तो प्रोटिस्टा को अभी बात छोड़ दो। फंगाई के पास काइटिन की सेल वॉल होती है, ये आप पहले भी पढ़ते रहते हैं। प्लांटी के पास सेलुलोज की सेल वॉल होती है और एनिमल्स के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंडरस्टूड सी बात है, जो प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसमें नहीं होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी में क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर का मतलब है सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड, ठीक है। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर, लेकिन मल्टी सेलुलर में भी अलग अलग, ये लूज टिश्यू बनाता है, प्रॉपर टिश्यू नहीं बना पाता बेचारा, प्रिमिटिव है ना, क्या करे, ये प्रॉपर टिश्यू और ऑर्गन बना लेता है प्लांटे, लेकिन एनिमल्स के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो बेटा, बैक्टीरिया में इतना मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है। देन प्रोटिस्टा में भी बेटा बहुत प्रकार का न्यूट्रिशन है, इसको भी छोड़ दो।
फंजाई में भी बताया हेटीरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक फंजाई होती है ना। प्लांट में भी बताया ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होता है, और एनिमलिया में भी बताया हेटीरोट्रॉफिक में होलोजोइक भी होता है, सेप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। ये टेबल समझ में आ गया है? बोलो। यस। टेबल समझ में आ गया है? आगे चलूं? जी मैम चलें। हाँ जी जी मैम आ चुका है मुकम्मल। अरे रैंडम टॉपिक्स नहीं है रोहन, आज से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू की हुई है। तुम लोगों के लिए एक टॉपिक तो मुझे इसके लिए बनानी पड़ेगी कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, है ना। एक तो मुझे इसलिए बनानी पड़ेगी कि भैया मैं क्या पढ़ा रही हूँ, है ना। तुम लोगों को ये नहीं पता चल रहा मैं क्या पढ़ा रही हूँ। देखो मंडे ट्यूसडे वेंसडे मैं प्लस वन की क्लासेस लूंगी, थर्सडे फ्राइडे वेकेशन शुरू किया है। अब आ जाओ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो तुम लोग समझ गए, है ना। अब आ जाओ मोनेरा पे। अब हम चलेंगे छोटे 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 यूनिसेल। पीछे अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में जनरल बातें जो है वो ओवरव्यू हमने पढ़ लिया है। अब जो है उनमें से जो किंगडम मोनेरा है उसको अब डिटेल के अंदर जो है वो मैम पढ़ाने जा रही हैं। तो अब तक हमने ओवरव्यू सबका जो है वो देख लिया है पांचों किंगडम का, तो डिटेल के अंदर अब किंगडम मोनेरा की तरफ जा रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, एक भी यूकैरियोटिक सेल नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, सारे के सारे यूनिसेलुलर, कोई एक्सेप्शन नहीं। हालांकि यूनिसेलुलर का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। जो मैं कुछ बैक्टीरिया इतने बड़े होते हैं, जैसे इस आई के ऊपर जो डॉट है ना, उतना बड़ा भी बैक्टीरिया होता है, नेकेड आई से भी दिख जाता है, ठीक है। पर वो रेयर होते हैं, जनरली बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आप देख नहीं सकते। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, सारे के सारे यूनिसेलुलर, ठीक है। लेकिन सारे के सारे बुरे नहीं हैं। हमने अच्छा तुम लोगों ने प्लस टू में भी पढ़ा नहीं है, एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया फंजाई जो भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स होता है जो दिखते नहीं है, छोटे छोटे होते हैं, वो हमारे फायदे के लिए क्या क्या काम करते हैं। तो बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल भी होता है, बहुत हार्मफुल भी होता है, हार्मफुल बीमारियां कॉज करता है ना, बैक्टीरियल डिजीज करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदे भी पहुंचाता है। जैसे आपकी दही बनाता है, आपके लिए दारू बनाता है, आपके लिए चीज़ बनाता है, कितने सारे काम करता है, आपके लिए एंटीबायोटिक्स बनवाता है, बड़े सारे काम करता है बैक्टीरिया, ठीक है। आपके लिए गोबर गैस बनाता है, आपके कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हेल्प करता है, बड़े सारे काम करता है बैक्टीरिया। तो बेटा बैक्टीरिया के प्रति हमने बुरी भावना नहीं रखनी, हमने सीखना है बैक्टीरिया के प्रति। देर आर गुड बैक्टीरिया ऑल्सो, देर आर बैड बैक्टीरिया फॉर अस, बट एक्चुअली दे आर नॉट बैड, दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क, ठीक है। तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बड़ी सारी शेप हो सकती हैं, ये शेप देख रहे हो आप लोग, जैसे ये एनसीईआरटी में दिखाई हुई है। अगर गोल बैक्टीरिया है इस शेप का है तो इसे बोलेंगे कोक्कस बैक्टीरिया, ठीक है। अगर लंबा लंबा बैक्टीरिया देख रहे हो, लंबा लंबा बैक्टीरिया इस तरीके से, स्पोर भी दिखाया हुआ है एक में, तो स्पोर भी ऐसे करके दिखाया हुआ है, देखिए स्पोर देख रहे हो, इसको बोलते हैं बैसिलस। देन बैक्टीरिया कभी कभी इस शेप का होता है, इसको बोलते हैं स्पाइरलम। स्पाइरला, ठीक है। इसमें फ्लैजेला भी दिखाया है मूवमेंट के लिए, यहाँ पे फ्लैजेला दिखा दिया हुआ। देन ये कभी कभी कॉमा शेप के होते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं विब्रियो शेप। देखो विब्रियो की याद है, विब्रियो कॉलरी, कॉलरा कॉज करने वाला बैक्टीरिया ऐसा होता है। सो एक तो तुम्हें ये चार शेप याद होनी चाहिए, हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या है, हो जाएंगे, हो जाएंगे। सारे यूनिसेलुलर होते हैं, सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन चार शेप्स में से मिलते हैं। डन डन। अब बैक्टीरियल सेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब करने ही लगे हैं तो व्हाई नॉट डू इट कम्प्लीटली। दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है जो मैंने अभी बनाई है, राइट। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, लिख दूं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होगी, बताओ, होगी ना, अभी बताया था सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैक्टीरिया के सर्वाइवल में, है ना। तो लाओ सेल वॉल बना दे, फिर देरी किस बात की है। ये ब्लू कलर में बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहे हैं, राइट राइट। चलो यहाँ तक तो बात सही है, सेल वॉल तो बड़े सारे सेल्स की होती है, लेकिन इसके ऊपर बैक्टीरिया के पास एक और कवरिंग होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया अपने बचाव के लिए ग्लाइकोकैलिक्स का इस्तेमाल करता है। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन या पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स है। हालांकि जो अभी जब हमने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो एडिशनल लेयर है सेल वॉल के बाहर भी होती है, वो आज सुन रहे हैं कि ग्लाइको ऑक्सैलिक की जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की लेयर भी जो है वो मौजूद होती है उसके ऊपर। अब ग्लाइकोकैलिक्स का यूज क्या है जरा ये देख लेते हैं।
दिस इज ग्लाइको ग्लाइको क्या लिख सोचो एक बैक्टीरिया अपना कितना कवरिंग लेके बैठा है रे हम लोगों को लगता है सिर्फ हम प्रोटेक्शन लेते हैं अपनी बैक्टीरिया कितनी प्रोटेक्शन लेके बैठा है ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन या पॉलीसेक्राइड की बनी हुई कवरिंग है बहुत सारा फायदा है बेटा इसका मान लो आपने कोई मेडिसिन डाल दी बैक्टीरिया को मारने के लिए कई बार मेडिसिन से मरते नहीं है ये क्यों ये पॉलीसेक्राइड की कवरिंग बचा लेती है ठीक है देन किस मान लो कोई बात हो गई किसी ने मतलब वाटर लूज होने लगा इससे बैक्टीरिया से तो ये वाटर लॉस को बचा लेंगे ठीक है मान लो सूखे में चला गया बैक्टीरिया कहीं सूखने लगा बैक्टीरिया तो सूखने नहीं देंगे क्यों वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा ये पॉलीसेक्राइड तो बैक्टीरिया को जिंदा रखेगा तो बेसिकली उसके कवच की तरह है ये ग्लाइकोकैलिक्स ठीक है ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार का हो सकता है बेटा जी ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स अगर तो ये हार्ड है तो इसको बोलेंगे कैप्सूल अगर ये हार्ड है तो इसको बोलेंगे कैप्सूल अगर ये सॉफ्ट है तो इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर स्लाइम लेयर दो प्रकार का हो गया जी। ये तो हो गई कवरिंग्स ठीक है अब देखो बैक्टीरिया के मूवमेंट तुम्हें क्या लगता है सारा बैक्टीरिया मूव करता है सारा बैक्टीरिया नहीं मूव करता सिर्फ 50% ऑफ द बैक्टीरिया ही मूव कर पाता है दुनिया में ठीक है तो मूवमेंट के लिए इसके पास दो स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया और फ्लैजेला है ना तो सीलिया तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी पे इस तरीके से तो ये ऐसे से मूव करते रहते हैं पानी में जैसे कि तैरने में इसको हेल्प करते हैं तो एक तो सीलिया से मूवमेंट आती है बैक्टीरिया की एक आती है एक लंबा लंबा स्ट्रक्चर होता है ऐसे देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं मूवमेंट के लिए इनको बोलते हैं बेटा फ्लैजिला क्या बोलते हैं फ्लैजिला सीलिया से काफी बड़े होते हैं फ्लैजिला और कम भी होते हैं नंबर में फ्लैजिला के तीन पार्ट्स होते हैं बेटा दिस इज कॉल्ड फिलामेंट अरे ये वाले एरिया में मैं लिख नहीं पा रही हूँ चलो ये अलग से लिख दूंगी अलग से लिख दूंगी फ्लैजिला के तीन पार्ट्स यहाँ लिख देती हूँ ये फ्लैजिला के तीन पार्ट्स हैं ऊपर एक हुक होती है ऐसे करके हुक और ये फिलामेंट होता है ठीक है जी ये फिलामेंट होता है अब देखो इधर तो फ्लैजिला बेटा बॉडी पे कहीं भी हो सकते हैं पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं एक साइड पे भी हो सकते हैं तो फ्लैजिला ऐसे से करके बैक्टीरिया को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं सीलिया और फ्लैजिला हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए ठीक है कभी कभी बैक्टीरिया को ना कोई सरफेस पकड़ना होता है ठीक है जैसे निस्सेरिया गोनोरी नाम का बैक्टीरिया गोनोरिया कॉज करता है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ह्यूमंस में तो वो वेजाइना की लाइनिंग में चिपक जाता है बैक्टीरिया कि नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं जाने दूंगा तो वेजाइना में उसके सिम्टम्स आने लगते हैं सिक्रीशन होने लगती है इचिंग होने लगती है ठीक है तो वेजाइनल वॉल को कैसे पकड़ता है निस्सेरिया गोनोरी उसके पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच हेल्प्स इट टू होल्ड क्या होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स टू होल्ड सरफेसेस इनको बोलते हैं फिम्ब्री ठीक है जी सो फिम्ब्री को फिंगर से याद करना है ये होल्ड करता है ठीक है फिर इसमें एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है देयर इज अ वियर्ड स्ट्रक्चर जिसका मैं तुम्हें अभी बस लिख लो इसका यूज बाद में बताऊंगी एक अजीब सा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है इसका यूज बाद में बताऊंगी इसको बोलते हैं पिलाए पाइलस सिंगुलर पिलाए फ्लूरल ठीक है पिलाए किस काम आता है मैं तुम लोगों को बता दूंगी ठीक है बड़ा फनी सा काम करता है बैक्टीरिया पिलाए से मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी अब देखो अंदर देखो बैक्टीरिया के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है तो बैक्टीरिया का सर्कुलर क्रोमोजोम ऐसे ही पड़ा हुआ है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे पड़ा होता है इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो ये एक सिंगल क्रोमोसोम है सर्कुलर क्रोमोसोम होता है इसका स्ट्रेट क्रोमोसोम नहीं होता इसको मैं सर्कुलर क्रोमोसोम लिख सकती हूँ क्रोमोसोम लेकिन बेटा जैसे अपने डीएनए में हिस्टोन होता है ना अपने डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे पता होगा हिस्टोन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन में से एक है हमारे डीएनए पे जो लगा होता है ठीक है इसका विदाउट हिस्टोन होता है ये अभी तक हमने ये सीखा है बैक्टीरिया के बारे में कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए और मूवमेंट के लिए क्या क्या काम कर सकता है तो सीलिया भी हैं इसके पास फ्लैजेला भी हैं प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल भी है फिम्ब्री भी है तो एक बैक्टीरिया जो नज़र नहीं आता वो देखें अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या काम कर रहा है विदाउट हिस्टोन जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा विदाउट हिस्टोन क्या होता है अभी लिख लो बिना हिस्टोन का होता है ठीक है अब इसको न्यूक्लियस नहीं कह सकते क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ये
है ना, तो इस एरिया को अपा बस ऐसे न्यूक्लियोइड कह देंगे यार, मन सा मार के न्यूक्लियोइड कह देते हैं। इसी को ही जीनोफोर भी कहते हैं बेटा, जीनोफोर। तो मेरे बच्चों, आई होप ये तुम्हें दिख रहा हो, मुझे पता नहीं है जी, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोइड है या जीनोफोर है, ठीक है जी, जहाँ पे इसका डीएनए पड़ा हुआ है। ओके, देन और इसके अंदर क्या क्या मिलता है, देखो बेटा डीएनए है तो आरएनए भी मिलेगा, तो मान लो ये आरएनए मिला हुआ है, पड़ा हुआ है, एमआरएनए पड़ा हुआ है। बेटा एमआरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा होता है, चिपका होता है, जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम बर्गर की तरह होता है, बर्गर जैसे दो यूनिट्स होते हैं, तो इसके ऊपर बेटा बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके होते हैं ताकि इसका प्रोटीन बना सके, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जहां एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके हों, दीज आर राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम भी देखने के लिए मिल जाते हैं, देखो देयर आर फ्री राइबोसोम्स आल्सो, ऐसा नहीं कि सिर्फ चिपके हुए राइबोसोम्स हैं, फ्री भी राइबोसोम्स पड़े हुए होंगे, ये लो फ्री राइबोसोम, ठीक है। तो बेटा राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में होता है इसको हम बोलते हैं 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम, ठीक है। यूकैरियोट्स में बोलते हैं 80S राइबोसोम है। तो अब ये क्या है, ये 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम क्या है? कुछ नहीं है बेटा, इनके वेट के हिसाब से होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से होता है। तुम्हें नहीं लर्न करना कि एस क्या होता है, तुम्हें बस ये याद करना है कि यार ये 70S होता है, वो 80S होता है यूकैरियोट्स वाला। और इसकी सब यूनिट कैसे कैसे होती है बेटा, ये 50S होती है बड़े वाली और छोटे वाली 30S होती है। अब तुम कहोगे मैम मिला के तो 80 हो गया, बेटा मिलाना नहीं है इसको, 70S होता है, 50S 30S होता है, ठीक है। और जब राइबोसोम्स एमआरएनए पे लगे हुए तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीजोम। पॉलीजोम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता ही नहीं है, क्योंकि यूकैरियोट में एक एमआरएनए के ऊपर एक ही राइबोसोम लगा होगा, ठीक है जी। देन देखिए, इसके अलावा कुछ डीएनए बाहर भी पड़ा होता है, सारा एक क्रोमोसोम में डीएनए नहीं होता, कुछ कुछ डीएनए ऐसे सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए ऐसे पड़े होते हैं प्रोकैरियोट्स में, ऐसे इन्हें कहते हैं प्लाज्मिड। बेटा प्लाज्मिड की डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, आगे लिख देती हूँ मैं ये चीज, प्लाज्मिड केटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो बैक्टीरिया के जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसमें हमें समझ आ गया कि न्यूक्लियाइड या जीनोफोर क्या होता है, और एक्स्ट्रा जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं वो भी हमारे पास मौजूद, जो उसके अंदर मौजूद होता है वो देख लिया हमने, और इसके अलावा हमने राइबोसोम के बारे में देख लिया है कि वो कितने कितने वेट के होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया सेल के अंदर। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए, नोट डाउन करेंगे इस डेफिनेशन को, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड पीसेस ऑफ डीएनए जो सिर्फ आपको प्रोकैरियोट्स में ही मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने को प्लाज्मिड मिल गए। देन और क्या मिलता है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इनफोल्डेड होती है बेटा, इस तरीके से कहीं कहीं जगह से फोल्डेड होती है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मीजोसोम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मीजोसोम, ये ध्यान से सुनो, इस पे बहुत सारे एंजाइम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? एंजाइम्स लगे होते हैं, ठीक है। तो बेटा इन एंजाइम्स को ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन समझते हो, जो अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो ये रेस्पिरेशन कहाँ से करेंगे? तो ये मीजोसोम से रेस्पिरेशन करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो मीजोसोम बहुत सारे फंक्शंस हैं मीजोसोम के, जैसे कि एक रेस्पिरेशन हो गया, दूसरा ये सेल वॉल बनाने में भी काम आते हैं, ये जब इसको बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया बनाने होंगे ना तो ये इसकी रेप्लिकेशन में भी काम आते हैं, जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन में भी काम आते हैं, फिर जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करना दो डॉटर सेल्स में उसमें भी काम आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है मीजोसोम। क्या क्या काम बोला है मैंने, रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द डॉटर सेल्स। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
देन अगली बात सुनो, यहाँ पे कुछ और भी इन फोल्डिंग्स हैं, कुछ और भी फोल्डिंग्स हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये फोल्डिंग्स किसने हैं? देखो अब इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता ना, तो कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट स्टोर कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं क्लोरोफिल स्टोर कर लेते हैं। तो दिस इज क्लोरोफिल, मैं अब यहाँ पे इसको लिखूँ कहाँ, यहाँ लिख देती हूँ, क्लोरोफिल स्टोर कर लेते हैं ये फोल्डिंग्स, ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का काम कर रहे हैं। इन्हें बोलते हैं क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। देखने दो मुझे, सारी चीजें पूरी हो गई, ऑलमोस्ट सारी चीजें पूरी हो गई हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें पूरी हो गई हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलो बैक्टीरियल, अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर आ गया है, अच्छा 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 एक चीज रह गई है, कभी कभी बैक्टीरिया अपने सेल के अंदर कुछ चीजें स्टोर करके रखता है, सोचता है बुरे वक्त में काम आएगी, जैसे आप पैसा स्टोर करते हैं वैसे ये भी कुछ कुछ चीजें स्टोर करता है। मैं ये लिखूंगी कहाँ ये नहीं मुझे पता, लेकिन स्टोर तो करवानी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं स्टोर करके, स्टोर्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके पास, ठीक है। तो बेटा अब बताओ ये किस किस चीज के ग्रेन्यूल्स हैं। एक तो इसका स्टोर्ड फूड क्या है, बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन है, बिल्कुल ऐसे जैसे ह्यूमंस का स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन है, हमारा भी ग्लाइकोजन में स्टोर होता है ना कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोजन हो सकता है। अगर ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसका जो स्टोर्ड फूड होता है उसको बोलते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च, तो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, सी है ये, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। देन कभी कभी ये फॉस्फेट स्टोर करके रखते हैं, तो ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल भी हो सकते हैं। ये तीन प्रकार के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, क्या क्या, फॉस्फेट, ग्लाइकोजन और साइनोफाइसिन। साइनोफाइसिन की स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने, बाय गॉड रुक जाओ, साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो कितने प्रकार के ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन, साइनोफाइसिन और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, तो ये भी बैक्टीरिया के अंदर मिलते रहते हैं। अब तुमको बैक्टीरियल सेल का बेसिक आइडिया हो गया कि ऐसा कुछ सेल होता है बैक्टीरियल सेल, है ना। Yes. आओ अब आगे पढ़ लें बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी बात, रिप्रोडक्शन, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। हमारा टाइम कितना हो गया है बेटा जी,